Hey guys, welcome to all my YouTube channel Case Study. I am Pooja and today is second class of cursive writing guys. तो आज हम आपको लूपी लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे. इस लाइन का जो लूप है वो फंदे की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे फंदा रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे लूपी लाइन्स बोलते हैं. अगर आपके बच्चे को स्मॉल लेटर लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो इस लाइन की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. इस लाइन की हेल्प से बच्चे स्मॉल बी डी एफ एच के एल पी टी ये सब जो लेटर है वो इजली ड्रॉ कर सकेगा. तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास गाइस एंड दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ दिस क्लास. तो यहाँ हम एक कार की पिक्चर ड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ पर हम एक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं लूपी लाइन में और यहाँ पर हम एक हाउस की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं. तो आप समझ गए होंगे कि इस कार को इस लूपी लाइन वाले पाथ के द्वारा इस हाउस तक पहुंचना है. तो यहाँ पे हमने लाइन का जो साइज है वो बड़ा रखा है. तो इस तरह से आप ये वर्क दे सकते हैं. एंड दिस इज़ द सेकेंड वर्क ऑफ दिस क्लास. तो यहाँ हम जो लाइन का साइज है वो मीडियम कर देंगे. जैसे कि आपको हमने हर वीडियो में बता रखा है, पहले लाइन का जो साइज है वो हाई रखना है, मतलब बड़ा रखना है, फिर मीडियम, फिर स्मॉल कर देना है. और यहाँ पे देखिए हमने बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली और इस तरह से ये वर्क को रेडी कर लिया है. तो अब इस तरह से भी ये वर्क दे सकते हैं लूपी लाइन का. एंड दिस इज़ द लास्ट एंड थर्ड वर्क ऑफ दिस क्लास. तो यहाँ हम जो लाइन का साइज है वो स्मॉल कर देंगे और यहाँ मैं कुछ एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. और नेक्स्ट वीक में मैं आपके लाऊंगी एक वर्कशीट का सेशन जिसमें आपकी बहुत हेल्प हो सकेगी. आपको बार बार ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो नेक्स्ट वीक ज़रूर देखिएगा किस चैनल को. और देखिए हमारी पिक्चर रेडी हो गई, साइड में हम अल्फाबेट्स लिख लेंगे. तो इस वर्क से बच्चे की जी एस भी इंक्रीज होगी, जैसे ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैंड. तो इस तरह से भी आप बच्चे को वर्क दे सकते हैं. तो अगर आपको आज का हमारा जो ये सेशन है लूपी लाइन्स का पसंद आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय.